नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के रोज एनक्लेव इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, 4 घायल। नाभा ब्लॉक के गांव अगेता में सड़क हादसे में एक नौजवान की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल। जालंधर के इलाहाबाद बैंक में रुपए जमा करवाने आए बुजुर्ग व्यक्ति से नौसरबाज ने की ठगी, 4 लाख रुपए की नकदी लूट हुआ फरार। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के इस्लामाबाद की राम कॉलोनी के अधीन आते रोज एनक्लेव इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ये आग सुबह 5 बजे के करीब लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर के लोग इस आग की चपेट में आ गए, जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू पता नहीं सी, सानू सवेरे कॉल आई कि घर नू आग लग गई है, ते उहदे विच मेरा देवर तजिंदर सिंह, उन्हां दी वाइफ मनदीप कौर ते उन्हां दा छोटा बेटा दिलप्रीत सिंह, तिन्हां दी डैथ हो चुकी है। ते हुण उधर ही चले ने हॉस्पिटल देखण, ते बाकी आके दस देंदे ने तुहानू। किन्ने वजे आग लगदी है और मैनूं इस बारे कुछ भी नहीं पता कि किन्ने वजे आग लगी, किन्ने वजे नहीं। शॉर्ट सर्किट ही होया जी, रोज निकलिए 18 नंबर कोठी है, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜਤੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਰਾਜੂ ਆ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਇਹਦੀ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆ, ਦਿਲਵਾਂਸ਼ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਨ, ਵਿੱਕੀ ਤੇ ਸੁਖਮਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੋਂ ਕੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨੇ ਮੌਤ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਕੇ ਗਾਂਵ ਅਗੇਤਾ ਮੇ, ਜਹਾਂ ਗਾਂਵ ਨਰਮਾਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ 24 ਵਰਸ਼ੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਮੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਤਾ ਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕਰ ਘਰ ਲੌਟ ਰਹਾ ਥਾ। गत रात्रि गांव लौटते समय गांव अगेता में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ये नाभे जा रहे थी पोस्ट पर नहीं, तकरीबन ये 4:30 बजे घरों तुरे जी, तो उधर आंदे 7 बजे जब वापस आ रहे जी, मैं इस पिंड तो वापस इधर नाभे ने होकर इधर आ रहे थी, तो आंदे ही बस हमें फोन आए भी है कम हो गए, ट्रैली ट्रैली ट्रैक्टर ना हो। ਉਮਰ ਜੀ ਇਹਦੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਹ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਰਮਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਜੂਗੀ। ਜੋ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
जालंधर के इलाहाबाद बैंक में रुपए जमा करवाने आए बुजुर्ग व्यक्ति से एक नौसरबाज चकमा देकर बुजुर्ग व्यक्ति के 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं यह सारी घटना बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक राजन इंडस्ट्री के मालिक से नौसरबाज ने बैंक फॉर्म बनाने की आड़ में ये रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति विजय चोपड़ा ने बताया कि वह कंपनी बाग चौक के निकट इलाहाबाद बैंक में सुबह 10:30 बजे के करीब 4 लाख रुपए जमा करवाने आए थे। किसी दौरान बैंक के अंदर पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने फॉर्म गलत भरा है, वह इसी बैंक में काम करता है, इसलिए रुपए उसे दे दो, वह जमा करा देता है। जिसके बाद आरोपी चकमा देकर 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना 4 के SHO बलजिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और बैंक में लगे CCTV की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच शुरू कर दी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं बैंक च पैसे जमा कराना है जी, कहना थोड़ा मैं बैंक का बंदा है, तुम बह जाओ इतने। तो मैंने फार्म दिता, कहता ये फार्म गलत है, मैं नवा फार्म लिया देना। मैं फार्म कहता मैं भरा, मैं भर लूँगा, मैं पढ़िया लिखा फार्म भरता जी। मैंने कहना उत्थे जमा कराते थोड़े पैसे, मैं बैंक का बंदा है, मेरे को 4 लाख रुपया लगे दौड़ गया। मैंने कहता मैं जमा कराते और उसे मैं गया फार्म ला के, कहता साढ़े को नहीं आए पैसे। अच्छा, कहता जी क्या जी आप ही है, मेरे को लगे दौड़ गया। अच्छा, मुंडा मैं नहीं देखा, मैं तो बैंक के जाए नहीं, कोई 35 साल का होना चाहिए। ये हमारे एक कस्टमर हैं, बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, काफ़ी थोड़े बुजुर्ग हैं, तो वो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे कैश जमा कराने लगे हैं, जो कि मुझे पता चला है। तो वो वहाँ पे वो जो बंदा था उसने कहा कि मैं आपका फार्म गलत है, मैं भर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो आप भर दो, और फिर कहता नहीं जी मैं आपका पैसे ही जमा करा देता हूँ। लेकिन उसने पैसे जमा नहीं कराए और वो भाग गया, और अंकल ने भी 2-4-5 मिनट बाद संभाला कि मेरे पैसे, वो बंदा कहाँ है, तब तक वो भाग चुका था। वो अब किसी ने क्या कहा ये तो हमें भी नहीं पता ना जी, वो कभी आपने देखा नहीं, इसको नहीं देखा कभी, मेरे स्टाफ ने भी नहीं देखा है वो, हमने उसको सारा CCTV कैमरे में देखा है कि इसको कभी देखा हो, लेकिन ये बंदा नहीं देखा हुआ था जी। सानू कंट्रोल रूम तो इन्फॉर्मेशन आई सी कि इतने विजय चोपड़ा जी है, एक आए सी अपने पैसे जमा कराने वास्ते, उन्होंने कोई एक अननोन बंदा मिलया इतने, जिन्हें कहा कि तुहाडा फॉर्म गलत है, कि दोबारा फॉर्म भर के मैं तुहाडे पैसे जमा करा, तुसीं बजुर्ग हो। वो बह गए उत्थे, उन्होंने पैसे फड़ाते उन्होंने, वो बंदे ये फॉर्म भर लै पे, फॉर्म भर के जो देखा तो वो पैसे लैके बंदा गैप हो गया सी। सर उन्होंने कहना है कहते मैं बैंक का ही बंदा है, मैं बैंक कैश काउंटर तक भी इन्हों के कहने के मुताबिक उही है कि वह कहना कि मैं बैंक का, ता ही इन्होंने तो विश्वास करके उन्होंने पैसे फड़ाए से। 4 लाख रुपये जी कैमरे से फोटो आई है, फोटो अभी वेरीफाई कर रहे हैं, नीवी है थोड़ी, मतलब क्लीयर नहीं आ रही फोटो, असं लागे छागे भी होर भी जिन्हें इतने कैमरे हैं चेक कर रहे हैं जी। जालंधर शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन ये कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। इन कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि रात के समय शहर की गलियों में निकलना किसी खतरे से कम नहीं है। ये गलियों और सड़कों के बाहर झुंड बनाकर रहते हैं और अकेले व्यक्ति को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला शहर के भैरव बाजार में सामने आया है। भैरव बाजार में रात के समय गली से एक्टिवा स्कूटी पर जा रहे 2 लोगों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। चलती स्कूटी पर ही पीछे बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की टांग कुत्तों ने पकड़ ली। जब स्कूटी रुकी तो कुत्ते डर कर भागे नहीं बल्कि और ज्यादा हमलावर हो गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बठिंडा के जसीपो वाली गांव के नज़दीक बने पेट्रोल पंप पर देर रात 3 लुटेरे मोटरसाइकिल पर आए और अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए बोला। जैसे ही पेट्रोल पंप कर्मचारी पेट्रोल डालने लगा तो लुटेरों ने पिस्तौल निकाल ली और पिस्तौल दिखाकर कर्मचारी के पास से पैसों वाला बैग लूटकर फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट भी की, जिस कारण वह घायल हो गया, जिसे बठिंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। इतने जी रात लुट हो गई 10:10 जी, तीन बंदे आए, एक को पिस्तौल से, दोवां को हथियार से, दूजे अपना चैनाइयां जड़ियां सीगियां जिहड़ियां अपने गलारियां, तो उन्होंने साढ़े करिंदियां दे आके लप्पड़ मुकीरी पिस्तौल लाया तो 40-50 हज़ार रुपये खो के ले गए साढ़े करिंदियां तो। हाँ पछाणदे जी उन्होंने बंदे, पछाणदे उन्होंने, दो बंदे साढ़े पिंड दे रात असीं पछाण ले।
भवानीगढ़ के पटियाला भवानीगढ़ नेशनल हाईवे के ऊपर सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दौरान सड़क पर बने हुए गड्ढे से बचने के लिए एक कार सवार ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाया, जिसके चलते पीछे से आ रहे ट्राले ने कार को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगाई, जिसके चलते ट्राला डिवाइडर तोड़कर अगली सर्विस लेन पर जाकर पलट गया। इस दौरान सर्विस लेन पर खड़े दर्जन भर से अधिक स्कूली बच्चे ट्राले की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। नेशनल हाईवे नंबर 7 पर बना यह गड्ढा लगभग 1 वर्ष से हादसों को निमंत्रण दे रहा है और विभाग इसमें मिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर इसको पूरा भर देता है। वहीं इस हादसे में ट्राला चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। टोल प्लाजे नहीं तो भाई सरेआम गलती है, टोल प्लाजे आंदा एक मुलाजम नहीं आया, टोल प्लाजे की जिम्मेवारी बनती है। सानू पता टोल प्लाजे के रूल की है, जे रोड टैक्स बनाई गई है, सड़क बनाई है, तो टोल वालों की जिम्मेवारी बनती है उस कंपनी की जी सब टैक्स वसूल रही है। टैक्स कंपनी ने आना होंगे, इतने एक्सीडेंट होया, गड्डी सड़क विचाले खड़ी है, इधर ट्रक वह पिया गा, हाले तक कोई भी टोल प्लाजे वालों की गड्डी नहीं आई जी सैड कर दे। दूजे लोगों को सुविधा कितनी परेशानी आ रही है, एक बार तुम आप भी शॉर्ट जरूर विच विजुअल दिखा दो, पिंड वालों को हाल पुछ लो इतने किन्ने हादसे होंगे आ, ये कोई पहला हादसा नहीं वापरिया। जदों से रोड बने हुए जी ये उदों की यह चल रहा है, ना तो यह सीवरेज का पानी है जोड़ा और हटता, ना यह सड़क टुटी जाती है, वह सीवरेज का पानी देखो, ये गड्डी का कोई कसूर नहीं है, जो ये सड़क टुटी हुई है वो मके अपसेट हो गई। भी ट्रक मके स्कूल बैन सी बचाते बचाते हुए जी, एक यह मके टोआ मके हो काले एमसी के घर को जी एडी टोआ जी। अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र थाना घरिंडा में हाल ही में एक महिला ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे अटारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हालत बिगड़ती गई और उसे अमृतसर के ईएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद घरिंडा थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतका कुलविंदर कौर और उसकी छोटी बहन दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। मृतका की छोटी बहन राजविंदर कौर के बयानों के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर गए हुए थे और उसकी बहन उसके पास आई और कहा कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ पी लिया है, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि मृतक महिला के 3 बच्चे हैं और उसकी उम्र करीब 37 वर्ष है। उसका 17 साल का बेटा आईलेट्स की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मृतक महिला के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी को 18 साल हो गए थे। उनकी बेटी बहुत दुखी रहती थी और ससुराल वाले उसे धमकाते रहते थे। मृतका की माता ने कहा कि उनकी दूसरी लड़की ससुर परिवार के दबाव में आकर झूठा बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक औरत कुलविंदर कौर जिन्होंने कोई जहरीली चीज पीती ने वो चन्न हॉस्पिटल अटारी एडमिट ने, असी उत्थे पहुंचे सी, डॉक्टर साहब ने अनफिट दस्या सानू और नैक्सट ईवनिंग नूं वो एमरजेंसी ईएमसी हॉस्पिटल अमृतसर दाखिल हो गए, इत्थे अंडर ट्रीटमेंट सी, अज उन्हां दी इत्थे मौत हो गई। सानू हॉस्पिटल वालों सूचना मिली, असी इत्थे भी आए सी कल, बिकॉज सानू इन्हां ने डॉक्टर साहब ने उस लेडीज़ नूं बयान देंदे अनफिट दस्या। वेखो जी सानू हॉस्पिटल तो उस वेले तुरंत आ जाणी हुंदी आ, दोनों सकियां भैणां इक्को घर च ने, जिहड़ी आई विटनेस सी साडी वो मरन वाली कुलविंदर कौर दी कुलविंदर कौर दी सकी सिस्टर आ, ठीक है जी। उसने सानू स्टेटमेंट दित्ती जो भी ये इस तरह घर सारा परिवार गया असी घरों, साढ़े बंदे बाहर सके, वो जिहड़ी औरत तो 17 साल का बच्चा, लड़का 15 साल का, एक उसकी बेटी आ, असी परिवार सारा घर से, साढ़े सारे परिवार मैंबर अपने कामां करन ते गए हुए सी। जिहड़ा इहनां दे सहुरा साहब ने वो गुरद्वारे दे ग्रंथी सिंह सीगे, वो गजा ते गए हुए सीगे, ठीक है जी। जदों इन्होंने कोई जहरीली चीज़ पीती आ उहदी सिस्टर नूं दस्सिया वी मैं भई आह गलती कर बैठी, जो सानूं उहनां बयान दित्ता, उस तों बाद इन्होंने उन्हां नूं तुरंत दाखिल करवाया, ठीक है जी। तुरंत असी इत्थे आए, असी हुण उहदी स्टेटमेंट ते 174 दे तहत कार्रवाई करके उसना दा असी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अगे जिस तरह भी दूसरी धिर जिहड़ा उह बयान दे रहे ने उस तों ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन जो भी होएगा असी सख्त तों सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।
मल्लावाला के जीरा रोड पर स्थित मुख्य बिजली घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पावर कॉम के जेई गुरदयाल सिंह और राकेश कुमार ने बताया कि बिजली घर के अंदर पड़ते अलग अलग कमरों व स्टोरों के ताले और कुंडियां तोड़कर चोरों ने अंदर पड़ा काफी सामान चोरी कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए बनती है। वे घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। सवेरे सू पता लगा कि साढ़े जोड़े स्टोर ने दो नंबर शैड वाले तो उन्हें तार टुटे ने आंटी काम वाले उन्होंने सू फोन आया तो पता लगा जो आके वेख्या तो तारे जोड़े टुटे साढ़े कमरे भी तार टुटे से जो अभी समान की जाँच की तो पता लगा साढ़ा कोई तकरीबन 12 क्विंटल के पेड़ रहे जो नवा एसी कनैक्टर है TM50 का वह चोरी होया तो साढ़े चैनल चोरी हुए ने 7 चैनल नंबर तो पुराना कनैक्टर साढ़ा कोई 5 क्विंटल होना वह चोरी होया जिंदी थोड़े मोटे PVC जिम्मे साढ़ी तो PVC हुई 50-55 क्विंटल छोटा मोटा समान अभी होर है इन करते पे हाँ जाँच पड़ताल तो तकरीबन इनकी जी वैल्यू है बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद हवालाती की ओर से जेल प्रशासन के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने का मामला सामने आया है, जिस कारण 12 हवालातियों के खिलाफ थाना कैंट में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला सहायक सुप्रीडेंट शिव कुमार के बयानों पर दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज करवाए बयानों में बताया गया है कि कथित आरोपी बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद है, जो जेल प्रशासन कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करते हैं और अलग अलग तरह की धमकियां देते हैं, जिन्हें चेतावनी भी दी गई थी लेकिन फिर भी वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हवालातियों की ओर से जेल की वीडियो बनाकर अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह निवासी लुधियाना, जो कि अब कैनेडा में रहता है, को भेजकर धमकियां दी जा रही हैं कि वीडियो मीडिया चैनलों को भेज दी जाएगी। फिलहाल हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अलग अलग जेलों में तब्दील कर दिया गया है। सानू जेल प्रशासन ने पत्र प्राप्त होया सी जेल प्रशासन साहब वालों कि जो 12 कैदी जो है जेल का माहौल खराब कर रहे, जो वक्त जेलों से आए हुए हैं, ये जो लड़ाई का झगड़ा करने के आदि है, इस करके 25 तरीक को इन्होंने 25 मार्च में इन्होंने जी डायरेक्ट चेंज कर रही छह कैदियों की, तो इन्होंने यह विरोध किया जी साढ़े मुताबिक जी जेल प्रशासन काम करे, तो इन्होंने भुख हड़ताल करने की धमकी भी दी इन्होंने कि असं भी भुख हड़ताल करा, तो इन्होंने हत्तोपाई होने की भी कोशिश की, जिस संबंधी इन्होंने एक जज साहब पत्र भी लिखा स बाद चो इन्हों पता लगे जी हवाला तो इन्हें कहीं सू दसिया भी इन्होंने बहरों कोई फोन मंगा के किसी अनुमति फोन मंगा के बहरों एक वीडियो बनाई है जिसे जेल प्रशासन से पंजाब सरकार की बदनामी की गई है, तो उन्होंने ये भी दसिया भी जी इन्होंने जी वीडियो बनाई थी वीडियो बना के उस तो बाद एक गोपी नाम गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी लुधियाण जो कि लुधियाने का रहने वाला जो इस समय कनेडा में रह रहा उसने बाहर के नंबर से इन्होंने वीडियो भेज दी थी। एक शाम शहीदों के नाम आज़ाद वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब नाभा की ओर से देश के महान सपूत शहीद आज़म सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के शहीदी दिवस को समर्पित 12वां इनकलाबी नाटक मेला जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन जसबीर सिंह जसी सोहियावाला की तरफ से करवाया गया। इस नाटक मेले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा और क्षेत्र विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने विशेष तौर पर शिरकत की। इनकलाबी नाटक को देखकर सब भावुक हो गए। इस नाटक में दर्शाया गया कि नौजवान पीढ़ी नशों में डूबकर अपने परिवार को भी दांव पर लगा रही है और जो शहीद भगत सिंह द्वारा सपना संजोया गया था वह आज धरा का धरा रह गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोड़ा माजरा ने कहा कि नौजवान पीढ़ी को नशों की दलदल से निकालने के लिए हर वर्ष सरकार की ओर से नौकरियां निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जालंधर उपचुनावों में आप पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। देखो अज का जो प्रोग्राम है साढ़े चेयरमैन साहब जसी सोहिया जी वाले वालों और उन्होंने साथियों वालों इतने नाभा विखे करवाया जा रहा है। मान साहब साढ़े MLA साहब नाभे तो असी सारे अज एक शाम शहीदा दिन जो नाटक खेडिया जाना वो असी देखने वास्ते हाँ, क्योंकि शहीदा की बदौलत ही असी अज इतने हाँ जिन्होंने वो उम्रे अपन जाना देश लिए बारियाँ जिड़ी उम्र खेडन की होंगी है
सुख सहूलत मानने की जिंदगी होंगी आ वो उन्होंने साढ़े वास्ते वारती सो साडा फर्ज बनता है कि असी उन्हां शहीदां नूं याद रखिए सो असी सारी उन्हां दी शहीदां दी जो सेहत है वो तो साडा पहरा देना बनता है। अपने लोगों नाल प्यार करो और आपां सारे मिल के उस मुल्क दे विच जिहदे लई अपने शहीदां ने कुरबानियां दित्तियां शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव ऐसे सैकड़ा ही जिहड़े शहीद ने जिन्हां ने कुरबानी दित्ती है उन्हां नूं याद करदे आ। अज ये नाटक जिहड़ा नाभा शहर दे विच कीता जा रहा सो ये नाटक दे विच शामिल होने वास्ते पहुँचे हाँ और मंत्री साहब का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करदा जिहड़ा अपने कीमती समय तो समा कढ के इत्थे पहुँचे ने। हंसराज महिला महाविद्यालय में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से वुमेन्स प्राइड अवार्ड का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विवेक अग्रवाल फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कनाडा के सीईओ कुलविंदर सिंह टुट प्रेसिडेंट साहिल अग्रवाल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर तजिंदर कौर सरोवा की अध्यक्षता में करवाया गया जिसमें बलविंदर कौर सहित शहर की कई गणमान्य महिलाओं को समाज में दिए जा रहे अपने योगदान के लिए विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की विद्यार्थियों ने रैंप वॉक कर अपनी अदा के जलवे बिखेरे। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। कि आप सबकी मुझे जरूरत है। वी आर आल्सो स्टार्टिंग अ वुमेन्स इन पंजाब। साईं जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पे आ जाइए और फॉर दैट मोमेंट आई नीड झांसी की रानियां एंड इतनी सारी झांसी की रानियां अगर मेरे साथ जुड़ जाएंगी। पहला मुद्दा हमारा है कि हम नशा मुक्ति पंजाब चाहते हैं कि पंजाब से नशा निकल जाए एंड सेकंड थिंग इज दैट कि धर्म का जो प्रचार हो रहा है लोग बच्चों को ये दिमाग में कुछ लोग हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आप सब लोग मेरे से जुड़ो मेरे इस मोमेंट से जुड़ो। आई डोंट वॉन्ट एनी मोमेंट एंड ऑल दैट बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर से ये चीज़ को स्टार्ट करें। रनिंग बाटला मैरिज कंसल्टेंट एंड एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जलंधर की। तो मैं आज शैल अग्रवाल जी और विवेक अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा उपराला किया है वुमेन्स को अवार्ड देने का। अवार्ड का कोई भूखा नहीं होता, हर वुमेन्स इज्जत की भूखी मान सम्मान की भूखी होती है और मैं चाहती हूँ कि औरतों को घर में भी और बाहर भी वही इज्जत वही मान सम्मान मिले। मैं नहीं कहती अपने जो जेंट्स हैं वो अपनी औरतों को अपने से चार कदम आगे बढ़ने दें बट उनको पीछे भी ना छोड़े अपने साथ में लेकर चले। सो थैंक यू धन्यवाद हमको आप उनको वही इज्जत दें जो फैमिली में जहां आप स्टैंड करते हैं अपनी औरतों को भी वहीं खड़ा रहने दें। सो धन्यवाद थैंक यू। मिसल तरना दल की अगुवाई में चल रही संस्था श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लियां जंडियाला गुरु में स्वास्थ्य संबंधी ट्रैफिक एजुकेशन और अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें तरना दल के 16वें मुखी जत्थेदार बाबा जोगा सिंह मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य संबंधी बोलते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि आजकल लोग दो अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसका मुख्य कारण लोगों का घटिया खान पान है। हम लोग पौष्टिक आहार को छोड़कर फास्ट फूड की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिस कारण हम कई बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं।